नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी अल्प प्रवास पर शाजापुर जिले के ग्राम कुड़ाना में पधारे। शिवनारायण शर्मा के फार्म पर जाकर जैविक खेती का अवलोकन किया गया एवं किसानों को जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया गया ताकि आने वाले समय में उर्वरक खाद का किसान उपयोग न करे, जिससे समय को देखते हुए कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। स्वदेशी अपनाओ, जैविक खाद बनाओ। जय जवान जय किसान। शाजापुर से प्रेम सिंह की रिपोर्ट। किसान संघ क्षेत्र के संगठन मंत्री होने के नाते आप क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं? आज हम यहाँ ग्राम कुड़ाना में, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, ग्राम कुड़ाना में भारतीय किसान संघ के जिला जैविक प्रमुख श्री शिव नारायण जी शर्मा, जो जैविक किसान हैं, पिछले 7 वर्षों जैविक खेती कर रहे हैं, हमने गेहूँ देखने के लिए आए हैं। इन्होंने गेहूँ में एक दाना यूरिया नहीं डाला है। इन्होंने गेहूँ की शुरुआत में केचुआ खाद को 3 बार डाला है। उसका परिणाम है कि सारे आसपास पूरे गांव में सबसे सुंदर गेहूँ इनके हैं। गेहूँ कालापन है, गेहूँ के अंदर फर्स्ट क्लास बालियाँ गेहूँ की दिख रही है, सामने दिख रही फोटो आपको दिख रहा है। और अभी 26 जनवरी के दिन हमारे जिलाधीश महोदय ने इनका सम्मान किया, उन्नत किसान के नाते, जैविक किसान के नाते। बहुत सुंदर खेती करते हैं, सारा परिवार आज दिन काम करता है। और अभी इसी महीने की पिछली 22 तारीख से शाजापुर शहर के अंदर जिला केंद्र पर हर रविवार को अब जैविक हाट लगेगा, जिसमें सारे शहर के ऐसे बंधु जो अच्छा खाद्यान्न खाना चाहते हैं, पौष्टिक आहार चाहते हैं, उन सबको हमारे ऐसे जैविक किसान बंधु, उसमें अग्रणी रूप से शिवनारायण जी, उन सब उपभोक्ताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा जैविक हाट प्रति रविवार को शाजापुर शहर की शायर मंडी में टंकी चौराहे पर लगने वाला है। मैं चाहता हूँ आसपास के गाँव वाले भी शिवनारायण जी से शिक्षा ले और अपने खेत में अब जहर डालना बंद करे, जैविक खेती करे। यही समय की मांग है, इसकी आवश्यकता है। जैविक खाद्यान्न खाना ही अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और डॉक्टर से बचना है, बीमारी से बचना है। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव के अंदर पेस्टिसाइड के कारण, जहरीली खाद के कारण, दवाओं के कारण से आज जो बीमारियाँ गाँव में नहीं थी, चाहे BP हो, कैंसर हो, शुगर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ये सब मेरे गाँव में फैल गई। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमने जहर डाल डाल करके अपनी धरती माता खराब कर ली, अपना शरीर खराब कर लिया, हमारी आने वाली नस्ल खराब कर ली और भूमि खराब कर रहे हैं। तो किसान संघ चाहता है कि अब देश के अंदर केवल जैविक खेती हो और जैविक खेती के साथ साथ इस बार हमारे प्रधानमंत्री आह्वान किया है मिलेटिन वर्ष, बड़े अनाज की खेती करना, जैसे मक्का है, ज्वार है, कोदो है, कुटकी है, बाजरा है, सब मोटा अनाज जो शरीर को अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है, शरीर मजबूत करता है। तो हम चाहते हैं कि सारे किसान जैविक खेती करें, ऐसा हम चाहते हैं। और हमने भी आज हमारे संगठन की ओर से शिवराज जी का सम्मान किया, क्योंकि 26 जनवरी को जिला जी सम्मान किया था, आज भारतीय किसान का सम्मान करके सारे लोग प्रसन्न हैं और सबका संदेश यही हमारे द्वारा कि सब लोग जैविक खेती करें।